गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अभी अभी आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और प्यारे बच्चों, जैसा कि कल त्यौहार था और आपने खूब मौज मस्ती कोई राखियाँ बंधवाई होंगी, कोई मिठाइयाँ खाई होंगी, खैर अब रक्षाबंधन हो गया, आप फिर आप जुट जाइए पढ़ाई पर अपनी। और इसी संदर्भ में हम आपको आज लेकर आए हैं कक्षा 4 की हिंदी की किताब की बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही आनंददायक और कुछ सिखाने वाली कहानी लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें बहुत ही अच्छा संदेश हमें मिला है। इस कहानी में बच्चों बताया है कि किस तरह से जहाँ के लोग आलसी होते हैं, इसमें आलस के बारे में ज़्यादा बताया गया है कि किस तरह से जब लोग आलसी होते हैं तो किस तरह से वो अपने आलस की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई हानि हो जाती है, चोट लग जाती है, बहुत सारे इस तरह से इसमें बताया गया है। इसलिए हमें बच्चों कभी आलस नहीं करना चाहिए। इसमें कहानी बताई है कि एक नगर था, उस नगर में एक रास्ते में एक पत्थर था बड़ा सा, तो कई लोग उस रास्ते से आते जाते थे और कई बार कई को ठोकर लगी, कई गिर गए, किसी का दूध गया, किसी के फल गिर गए, और किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की और उसी से चढ़कर निकल जाते थे, ठोकर खा जाते थे अनदेखे में। लेकिन वहाँ का राजा जो था एक बार वो भी घूमने पहुँच गया, उधर उसने देखा कि ये बहुत सारा बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और सभी लोग इधर से जा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन कोई हटा नहीं रहा है। उन्हें पेड़ से छिपके काफ़ी देर तक देखा, उस दौरान कई लोग उस रास्ते से गुजरे लेकिन किसी ने पत्थर को नहीं हटाया। अंत में वो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति टोकरी फल की टोकरी लेकर फल बेचने जा रहे होते हैं, तभी उनका भी पैर की ठोकर उस पत्थर से लग जाती है और वो धार से गिर जाते हैं, सारे फल बिखर जाते हैं। लेकिन पास ही एक लड़का जो ग्वाला था वो घूम रहा होता है, अपने पशु चरा रहा होता है, वो दौड़ता हुआ वहाँ आता है और उन बुजुर्गों को संभालता है, उठाता है, उनके सारे फल उसमें इकट्ठे करके टोकरी में रखवाता है। राजा सारा वाक्य देख रहा था, तो राजा को उस लड़के की जो आदत थी, जो उसकी एक्टिवनेस थी कह सकते हैं, सक्रियता, वो बहुत पसंद आई और उसने राजा ने उससे पूछा, बेटे आप कौन हैं, क्या करते हैं? तो उसने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं फला गांव के मुखिया का बेटा हूं और मैं यहां जंगल में अपने पशु चराने के लिए आया था। और इस तरह से वो अपना परिचय दे देता है। राजा अगले दिन राजा उस लड़के को अपने यहां दरबार में बुलाता है, उसको अच्छे से सम्मानित करता है, उसके गाँव में उसकी बहुत ही तारीफ होती है, सब उस पर गर्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी जीवन में किसी भी काम के लिए आलस नहीं करना चाहिए। पढ़ाई में तो बिल्कुल ही आलस नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे चलो कल काम पूरा कर लेंगे, अरे छोड़ो आज त्यौहार हुआ है, कल स्कूल चले जाएंगे, एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, या चलो कल याद कर लेंगे, अभी थोड़े पेपर आ रहे हैं, एक महीने बाद पेपर आ रहे हैं, उसके बाद याद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये कभी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। जो काम अभी, ये नहीं कि कहते हैं कि अरे कल कर सो, आज कर, आज कर सो, अभी नहीं, अभी करना ही करना है। कल उल के छोड़ो, आज का भी छोड़ो, अभी करना है, तब हमें सफलता प्राप्त होगी बच्चों, तब हम कुछ सीख पाएंगे, तब हमें पढ़ना आएगा। तो ऐसी सुंदर कहानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी जो आपको शिक्षा देने वाली है, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे इस बुक में कि किस तरह से इस कहानी का हमें कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। कुछ टफ वर्ड है, इसके मीनिंग्स हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे अभी। तो बच्चों, आप कहीं ये ना कहें कि सर ने ऐसी कहानी सुना दी ओरल और हमें बुक नहीं पढ़ाई, तो बच्चों आइए अब प्यार से इस पुस्तक को पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं कहानी का, और जीवन में इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो इसमें गुण बताए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं और इसकी जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको अपने जीवन से दूर कर देते हैं, दिमाग से हटा देते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं किताब। चलिए बच्चों, तो अब पढ़ लेते हैं हम ये बुक जो कि हमने आपको बताया था कि किताब पढ़ के दिखाएंगे आपको, चैप्टर जो हमने कहानी बताई थी। तो ये कक्षा 4 की किताब है, स्काईलाइन की बुक्स हमारे स्कूल में चलती हैं छोटे बच्चों की, ये हिंदी स्वर भी और लिखा हुआ है हिंदी की पाठ्य पुस्तक, यानी पढ़ने वाली किताब, इसमें बच्चे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ इसमें दी होती हैं हिंदी की। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 जो है ये आगे देखिए, बहुत ही सुंदर कहानी है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए पाठ नंबर 5, पाठ संख्या 5, रास्ते का पत्थर, पाठ का नाम है रास्ते का, यानी कि पूरी कहानी जो जो चैप्टर है इसके शीर्षक पर घूमती है, शीर्षक पर आधारित है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। बहुत ही सुंदर इसका एक तरह से कहा जाए कि संदेश है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं किताब, लेकिन हमने कई बार बताया आपको, हर बार चैप्टर पढ़ाते हैं किताब कोई पढ़ाते हैं, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी की, हर बार बताते हैं कि कोई भी भाषा की जब हम किताब पढ़े तो उस भाषा का शब्द को समय अच्छा होना चाहिए, शब्द को ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तब हमें उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसके दो चार मीनिंग है वो देख लेते हैं बच्चों। ये मीनिंग है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द
तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए कलम से इसको हम आपको इशारा करते चलेंगे। देखिए पहले लिखा है न्यायप्रिय। न्यायप्रिय, न्याय का मतलब होता है न्याय, इंसाफ, प्रिय माने होता है चाहने वाला, अर्थात जिसको न्याय, जिसका जिसे इंसाफ प्यारा हो, यानी कि वो न्याय को, न्याय संगत हो, जो न्याय को चाहता हो, जो इंसाफ को चाहता हो, उससे कहते हैं न्यायप्रिय। यानी कि वो राजा जो था वहाँ का, जिस नगर की बात हो रही थी, वो न्यायप्रिय था। फिर है भलाई। भलाई देखो कैसा लगा है बच्चों, भला, लापा का डंडा और बड़ी ई, भलाई। भलाई, भलाई का मतलब उपकार, यानी दूसरों के साथ कोई अच्छा काम करना, उसकी मदद करना, है ना, उसकी सहायता करना, उसको भलाई का काम कहते हैं। पर भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण माने होता है घूमना। आप लोग भ्रमण पर कई बार टूर पर गए होंगे, उसको भ्रमण कहते हैं, या वैसे भी कहीं घूमने निकल जाते हैं उसको भी भ्रमण कहते हैं। पर कराहना, कराहना, कराह देखो, करापक डंडक कराह और न, कराहना, कराहना का मतलब होता है जैसे लोग दर्द से चीखते हैं, कराहते हैं, एक तरह से कहते हैं ना किनकिनाना, है ना, किनकिनाते हैं, किनहाते हैं, कहने को देहाती भाषा में किनहाना कहते हैं, तो उसे कराहना भी कहते हैं बच्चों से लिखित भाषा में। फिर लिखा है बच्चों बड़ बड़ाना, बड़ बड़ा और ना, देखो ऐसे तोड़ के पढ़ लो, बड़े शब्दों को आराम से पढ़ना आ जाएगा आपको। बड़ा बड़, बड़ा ब, बड़ा अ, बड़ा ना, और जोड़ दो आगे तो बड़ बड़ाना। बड़ बड़ाना का मतलब होता है मुंह में ही आपस में कुछ बोलना, बुदबुदाना, काना फुसी करना, इस तरह से ना, आप ही आप बोलना, नहीं अपने आप ही अकेले कुछ बोले पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं, आपने अपने आप ही कुछ ना कुछ कह रहे हैं उल्टा सीधा किसी के लिए भला बुरा, उसको कहते हैं बड़ बड़ाना। फिर देखो ग्राहक, ग्राहक आप जानते होंगे, कस्टमर इंग्लिश में कहते हैं। ग्राहक का मतलब होता है खरीदार, है ना, हमारे पास जो भी कोई लेने आता है उसको ग्राहक कहते हैं। फिर लिखा है बच्चों स्वर, स्वर आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा भी स्वर निकल रहा है, इनकी आवाज़ निकल रही है, और संगीत में तो बहुत सारे स्वर होते हैं, उनकी तो आप आती अलग है, सात स्वर का ज्ञान जैसे हो जाता है समझ लो एक तरह से गाना भी सीख जाएगा। तो स्वर माने यहाँ पर बच्चों आवाज़ के बारे में बताया, स्वर माने आवाज़ होती है। फिर प्रशंसा, प्रशंसा लिखा है बेटे, प्रशंसा नहीं प्रशंसा, देखिए श स प्रशंसा, ठीक है, अंकी बिंदी लगी है, प्रशंसा। तो प्रशंसा माने होती है, यहाँ देखो गलत लिखा है बच्चों इस किताब में, मैं देखो अभी आपके सामने सुधार देता हूँ, यहाँ लड़ाई लिखा है, प्रशंसा में लड़ाई नहीं होती है, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पैन से तारीफ, अरे सॉरी तारीफ, प्रशंसा में तारीफ या लड़ाई नहीं है, बढ़ाई होना चाहिए, ठीक है, ब बना दी हमने यहाँ पे, देखिए ब, प्रशंसा में बढ़ाई, किसी को बढ़ाई करना है ना, तारीफ करना, वो होता है बच्चों प्रशंसा, ठीक है। फिर है फूला ना समाना, फूला ना समाने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, कोई चीज़ मिल जाए, लॉटरी लग जाए, कोई नौकरी लग जाए, तो समझ लो फूला ना समाना, तारीफ करना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना। फिर पुरस्कार बच्चों लिखा हुआ है, पुरस्कार का मतलब होता है इनाम, या पुरस्कार मतलब किसी को सम्मान देना, ठीक है, उससे कहते हैं बच्चों पुरस्कार। ये तो हो गया इसके शब्दकोश, इन्हें यानी कि इसके शब्द अर्थ यानी वर्ड्स मीनिंग, जब हमें ये चीज़ें अच्छे से पता होती हैं तो पूरी जो कहानी होती है, जो भी गद्य हो या पद्म हो, कविता वगैरह हो, अच्छे से उनका हमें अर्थ समझ में आ जाता है। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखिए पाठ संख्या 5, रास्ते का पत्थर। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है। देखो लिखा है एक राजा था, ये तो बहुत आसान है, पढ़ लेंगे आप लोग। एक राजा था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, और राजा को करना भी चाहिए क्योंकि सारी प्रजा राजा के लिए उसके बच्चे के समान होती है। वह प्रजा की भलाई, देखो भलाई लिखा हुआ है, भलाई मतलब उपकार के लिए, अच्छे काम के लिए, यानी कि भलाई का सदा ध्यान रखता था। एक राजा का कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता का ध्यान रखे, लेकिन आजकल के राजा तो मैं कहना चाहूँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जब बात आ जाती है कह देना चाहिए, आजकल के जो राजा है वो स्वार्थी ज़्यादा हैं, प्रजा का ध्यान कम रखते हैं, उन लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कि हम अब हमारे क्षेत्र में ही सड़कें ठीक से नहीं हैं, या पानी की सुविधा नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असुविधाएँ रहती हैं समाज के लिए, जनता के लिए, तो जो हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, राजा के ही प्रतिनिधि, राजा के रूप होते हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। पुराने जो हमारे जमाने के राजा थे उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। राजा दयालु और न्यायप्रिय भी था। राजा बहुत दयालु था, दया करने वाला था सब पर, और न्यायप्रिय यानी कि उसको न्याय ज़्यादा पसंद था, सभी के साथ न्याय करता था। एक दिन प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब सवेरे सवेरे, राजा भ्रमण के लिए निकला, अर्थात घूमने के निकला। आप लोग सुबह सुबह देखो टहलने घूमने जाते होंगे, इसी तरह से राजा भी सुबह घूमने गया। अचानक उसे ठोकर लगी और वह मुँह के बल गिर पड़ा। राजा को ठोकर लगी, रास्ते में कोई पत्थर था जिसकी कहानी बता रहे थे। उसने देखा कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा है और कई लोग उसी रास्ते से गुजरे और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़े, किंतु किसी ने भी पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया। और राजा, तो बच्चों राजा ने देखा कि किसी ने पत्थर नहीं हटाया,
तो राजा ने सोचा, ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ उसे यहाँ से कौन हटाता है। अब राजा परख रहा था कि मेरे राज्य के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कितने कर्मठ हैं, कितने आलसी हैं, ये सब परखना चाहता था। तो राजा पास ही एक पेड़ के पीछे जाकर, देखो लिखा हुआ, जाकर छिप गया। कुछ देर बाद राजा को एक किसान आता दिखाई दिया। राजा ने देखा एक किसान अपनी बैलगाड़ी से आ रहा था। वह अपने हल, अच्छा हल बैल लेकर आ रहा था, हल बैलों के साथ उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर, देखो बच्चों पत्थर लिखा हुआ है, पत्थर को देखा और अपने बैलों को दूसरी ओर मोड़कर, यानी कि उसने पत्थर को हटाया नहीं बल्कि रास्ता चेंज कर दिया थोड़ा सा, दूसरी ओर मोड़कर वहाँ से निकल गया। किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। ग्वाला माने वही जो जानवर पालते हैं, पशु पालते हैं, दूध का काम करते हैं। तो पत्थर की ओर उसका ध्यान नहीं गया और वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने नहीं देखा सामने पत्थर है और उस पर टकरा गया, गिर गया। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया, यानी कि उसका जो भी बर्तन था वो ढक्कन खुल गया, सारा दूध बिखर गया उसके बेचारे का। वह कराहता हुआ, कराहने का मतलब बताया था अभी, कराहने का मतलब दर्द के मारे चीखना, रोना, चिल्लाना, किनकिनाना कह सकते हैं। कराहता हुआ उठा और बड़बड़ाने लगा, यानी कि उसने ये नहीं सोचा पत्थर में हटा दूँ कोई दूसरा निकल जाए, और ऊपर से उल्टी सीधी बातें अपने आप से कहने लगा। रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई इसे हटाता तक नहीं, ये सब बड़बड़ा रहा था वो, मेरा सारा दूध बह गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्राहक माने उसके खरीदार थे दूध के, उनको क्या दूंगा, इसे बड़बड़ा रहा था। लेकिन इसने भी यही नहीं सोचा हो सकता है मैं कल फिर गिर जाऊँ इसे ना हटाऊँ तो, लेकिन हटाया नहीं। तो ग्वाला लंगड़ाता हुआ और पत्थर को कोसता हुआ अपने रास्ते चला गया। राजा सब देख रहा था पेड़ के पीछे छिपकर, किसी ने, लेकिन उसने भी पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। तभी राजा को किसी घोड़े की टाप सुनाई दी, यानी कि घोड़े से कोई आ रहा था, उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दी घोड़े के। देखते ही देखते घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा कि घोड़े पर सवार एक सिपाही बैठा मस्ती से गाता आ रहा है, यानी कि घोड़े पर बैठा सिपाही जो था मस्ती से गुनगुनाता आ रहा था, गाता आ रहा था, और उसने भी पत्थर की ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी, सिपाही गिरते गिरते बचा, खैर बच तो गया है ना, अगर गिर जाता तो सिपाही की भी चोट लग जाती, क्योंकि सिपाही था ना इसलिए बच गया, कोई आम आदमी होता शायद नहीं बचता, गिर जाता। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, ऊंचे स्वर में उसको गुस्सा आ गया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ पर कोई इसे हटाता तक नहीं। इस तरह से उसको गुस्सा आ गया थोड़ा सा सिपाही के लिए, कितने आलसी हैं यहाँ के लोग, ऐसा सिपाही ने कहा। सिपाही ने दूसरों को तो आलसी बताया लेकिन पत्थर को स्वयं हटाने की नहीं सोची उसने, अब क्योंकि वो खुद आलसी था। इसके बाद एक वृद्ध आदमी, वृद्ध माने बूढ़ा, कोई बेचारे होंगे बुजुर्ग 60-65 साल के लगभग, एक वृद्ध आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी रखे उधर से निकला और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा, बेचारे के सारे फल बिखर गए। उसके, देखो लिखा हुआ है, उसके सारे फल दूर दूर तक बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और वृद्ध को उठाते हुए बोला, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी। कितना अच्छा लड़का था वो, तो वो बुजुर्ग बोले, वृद्ध ने कहा, नहीं बेटा पर मेरे फल, यानी कि फल उसके बिखर गए थे। तो लड़का बोला, आप घबराइए नहीं। लड़के ने उसको ढांढस बंधाया बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, हिम्मत बंधाई, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं अभी आपके सारे फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। लड़के ने कहा कि बाबा आप घबराइए नहीं, मैं आपके सारे फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। उसने सभी फल वृद्ध की टोकरी में उठाकर रख दिए। वृद्ध व्यक्ति बालक को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। तो कितनी अच्छी बात हुई, उसने उसकी मदद की, उसको आशीर्वाद मिला। अब आशीर्वाद जो होता है ना, किसी भी उपहार से, किसी भी कोई भौतिक चीज़ दे देते हैं, कोई वस्तु दे देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। अब लड़का कितना खुश नसीब था। लड़के ने इधर उधर देखा और स्वयं रास्ते से पत्थर हटाने में जुट गया। अब लड़के ने सोचा कि पत्थर से पता नहीं कितने गिरे होंगे, चलो इसी को हटा देता हूँ। पत्थर थोड़ा सा हिला फिर भी अपनी जगह पर आ गया, यानी कि पत्थर भारी था, लड़का उसको हटा नहीं पा रहा था, अकेले छोटा लड़का होगा। तो लड़के ने पत्थर हटाने का बार बार प्रयत्न किया, यानी कि प्रयास किया, कोशिश की,
पर पत्थर हिला तक नहीं। उसने सहायता के लिए इधर उधर देखा, मगर किसी को ना पाकर वह फिर पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। अचानक पत्थर हिला। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। उसने देखा कि एक व्यक्ति आ गया, उसके साथ में वो भी पत्थर हटाने लग गया। अब उसको क्या पता था कि राजा है। वह व्यक्ति कौन था? वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। अब क्या हुआ आगे फिर देखिए। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं गांव के मुखिया का दिनेश, यानी गांव के मुखिया का बेटा दिनेश हूँ। उसने नाम बताया, मैं दिनेश हूँ। अगले दिन राजा के आदमी गांव में पहुँचे। उन्होंने सबके सामने दिनेश की तारीफ़ की, प्रशंसा माने मैंने बताया था तारीफ बढ़ाई की, तारीफ की। उसे राजा की ओर से पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार पाकर दिनेश तो मन में फूला नहीं, मानिए उसके आनंद की कोई सीमा ना रही। बहुत खुश लड़का, क्योंकि इनाम मिल गया और फिर राजा ने इनाम दिया, तो वैसे ही बहुत खुशी की बात थी। तो सभी गांव वाले भी अपने आप पर गर्व कर रहे थे कि उनके गांव के लड़के को राजा ने पुरस्कार दिया है। यानी कि अब देखिए, उस लड़के ने अपनी जिम्मेदारी से और अपनी समझदारी से और अपने साहस से किस तरह से पूरे गांव का नाम रोशन किया, राजा के सामने किया पूरे गांव में। तो प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ी सीख है, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो लगा है, प्रस्तुत कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि दूसरों की भलाई के उपदेश देने से पहले खुद आगे बढ़कर भलाई का कार्य करना चाहिए। ऐसा होता है हमारे आसपास, देखा होगा आपने अपने गली मोहल्ले में, आसपास क्षेत्र में, गांव में, कि लोग दूसरों को तो उपदेश देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, ये करने से वो होता है, ये करने से वो होता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले अपनी तरफ देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं और दूसरों को हम बता क्या रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी आपको लगी होगी, हमें उम्मीद है पसंद आई होगी। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको कुछ भी इसमें सीखने को मिला हो, तो हमें आपसे पूरी पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखेंगे। आपको चैप्टर कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कहानी से क्या शिक्षा मिली, और इस तरह की जानकारी और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपको, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अपने इस जो कार्य हम दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं आपके लिए, जो पढ़ाई का सिस्टम बनाया हुआ है आपके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाने का, उसमें हम और सुधार कर सकें और आपको अच्छा देने की कोशिश कर सकें। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप ज़रूर ऐसा करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और घंटी ज़रूर बजा देना, घंटी वाली घर वाली नहीं, जो उसमें छपकर आती है आइकॉन ना, बेल आइकन जिसे कहते हैं, तब आपको सारी जो वीडियोज़ हैं जो पढ़ाई की, वो सब आपको समय से आपके मोबाइल पर, आपके चैनल पर पहुँच जाएंगी यूट्यूब पर, और आपको उसका सारा फ़ायदा मिलता रहेगा। तो हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और हम आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आपको आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अब आदेश दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।